अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। जे के एस बी की तरफ से अपडेट है। जे के एस बी ने आंसर की अपडेट की है। जो हाल ही में जे के एस बी ने कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन लिया फॉर वेरियस पोस्ट्स ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम 17 अगस्त टू 25 अगस्त के दरमियान जो एग्ज़ाम्स लिए गए, तो उनके आंसर कीज अपडेट किए हैं जे के एस बी ने। वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आपको आंसर कीज चेक करने हैं। यहाँ पर जे के एस बी ने नोटिफिकेशन में बताया कि आंसर की 3 दिन तक अवेलेबल रह जाएगी, तो टिल 29 अगस्त 2021 तक ये आंसर की आज से अवेलेबल रह जाएगी वेबसाइट पर। उस दौरान आप चेक कर सकते हो आंसर कीज। और साथ ही अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग क्वेश्चन के हवाले से या आंसर कीज के रिगार्डिंग, तो आप ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हो 3 दिन के अंदर। बाकी जो प्रोसीजर है कैसे आपको चेक करने आंसर कीज और ऑब्जेक्शन आपको कैसे सबमिट करने हैं, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंटर करना है रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्ज़ाम सेलेक्ट बैच करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर मैं इंटर करूंगा रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा डेट ऑफ बर्थ, सभी डिटेल्स भरने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, पोस्ट नेम, सभी डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे आपको आंसर की चेक करने हैं और ऑब्जेक्शंस कैसे आपको सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू व्यू अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपने जो आंसर किए सबमिट किए हैं, ठीक है, जो आपने आंसर्स दिए हैं क्वेश्चंस के वो आप देख सकते हो। और सही आंसर यहाँ पर दिए गए हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इंटरफेस आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स मिलेंगे। तो नीचे आप देख सकते हो जो आंसर किया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने जो अटेम्प्ट किया है वो भी दिया गया है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर भी है। करेक्ट आंसर है ग्रीन कलर से, ठीक है। जो चूज़ किया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सही आंसर जो है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है सही आंसर जो है वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, और चूज़ जो किया है वो भी यही चूज़ किया है कैंडिडेट ने, ठीक है। चूज़न आंसर दिया गया है यहाँ पर जो कैंडिडेट ने चूज़ किया, और सही आंसर भी दिया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है सही आंसर जो है ए पार्ट है, और चूज़ भी किया गया है यही कैंडिडेट ने। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो करेक्ट आंसर है वो हाईलाइटेड है ग्रीन कलर से। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 जो है करेक्ट आंसर है ए, और चूज़ किया गया है डी पार्ट, ठीक है, चूजन ऑप्शन है डी पार्ट, ये गलत है। ए पार्ट जो है ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पर आंसर गलत हाईलाइट किया गया है, दिया गया है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन 5 में है डी सही आंसर है और यहाँ पर ए दिया गया है सही आंसर, अगर कैंडिडेट को लग रहा है कि ए ही, अगर कैंडिडेट को लग रहा है ए गलत है, तो जो चूज़ किया गया है ऑप्शन है वही सही है, हम यहाँ पर कैंडिडेट ऑब्जेक्शंस यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो कैसे आपको सबमिट करने हैं ऑब्जेक्शंस मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्लिक हेयर टू व्यू अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर, ये हमने देखा। उसके बाद नीचे यहाँ पर सेक्शन नेम है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको एंटर करना है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको जो लग रहा है गलत है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन नंबर 5 एंटर किया, सिंपली 5 लिखना है। उसके बाद कैटगरी चूज़ करनी है, कैटगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, रॉन्ग क्वेश्चन है या रॉन्ग आंसर, मल्टीपल करेक्ट आंसर, अदर्स, रॉन्ग आंसर यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर उसके बाद ऑब्जेक्शन जो फील्ड है यहाँ पर लिखना है आपको, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन गलत है या आंसर, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर लिखूंगा मैं कंप्यूटर एरर,
उसके बाद यहाँ पर सेव आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि आप एक बार सेव करोगे उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे या डिलीट नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर JKSSB प्रोविजन दिया जाएगा आपको अपलोड करने के लिए, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नो करूँगा क्योंकि मुझे ऑब्जेक्शंस यहाँ पर सबमिट नहीं करने हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस है, यहाँ पर ऑप्शन है ऐड ऑब्जेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप के जिसके रिगार्डिंग आपको ऑब्जेक्शंस हैं, यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। यहाँ पर ऐड ऑब्जेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और फिर इस तरह से जो प्रोसेस मैंने बताया है, तो कैसे आपको ऑब्जेक्शन अब सबमिट करने हैं वो आपको करने हैं। तो ये था अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।